हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर फाइन, फिट एंड हेल्दी। सेम हेयर। जैसे कि आपने देखा कि मेरा बेड फुल वो हो चुका है, कपड़ों से भर चुका है। मेरे कपड़ों से क्यों? क्योंकि मेरी हो रही है पैकिंग फॉर अ मंथ। मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, रुको। तो गाइस, अभी मैं आपको बताता हूँ कि क्यों मैं मेरी पैकिंग हो रही थी और मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो गाइस, अभी जैसे कि आज 31st of May है और मुझे नहीं पता ये व्लॉग कब आएगा, क्योंकि इससे पहले मेरे पास कई वीडियोज़ हैं यूट्यूब पर डालने के लिए। पर मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ये व्लॉग डाल दूँ, क्योंकि फिर टाइम चला जाएगा तो ऐसा मज़ा नहीं आता कि शिफ्ट कब कर रहा, व्लॉग कब डाल रहा है ना। तो मैं इसको आई थिंक 1-2 या 3 दिन तक डाल दूँगा। तो गाइज, अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं जा रहा हूँ गंगानगर फॉर अ मंथ ऑफ जून, फ्रॉम 1st June to 30 या 34, जितने भी दिन होते हैं, 30 जून देखूंगा। मतलब उसके बाद भी अगर स्कूल, अभी तो वेकेशन हैं, तो मैंने सोचा कि घर पे रहने की जगह अपने छुट्टियों को, अपनी वेकेशन को एक प्रोडक्टिव बनाते हैं इस बार। क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, घर पे फ़ोन चला लो बस बस बस। ये लॉकडाउन की वजह से काफ़ी कुछ रुक भी गया था, तो इसलिए नहीं कुछ कर पाए थे। बट अभी मैं जा रहा हूँ गंगानगर। कईयों को पता होगा वाइब्स एकेडमी के बारे में, कईयों को नहीं पता होगा, बट मैं उधर जा रहा हूँ डांस के लिए। और मैं देखता हूँ, क्योंकि और भी कोई कोर्स करूँ, क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ, तो मेरा मन है कि कोर्स या कुछ जिससे मुझे नॉलेज मिले या कुछ, तो मैं ढूंढता हूँ उधर जाके भी। 1-2 दिन देख के मैं शायद एडमिशन ले लूँगा। और गाइज, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जा रहा हूँ गंगानगर सिटी, जो मेरी अबोहर सिटी से 44 या 45 किलोमीटर दूर है। उधर मैंने एक पीजी लिया है, पीजी का पता करा था, कल वहाँ पे मैं शिफ्ट करूँगा। कल आई थिंक 1-2 बजे निकल जाएंगे हम। तो अभी मेरी पैकिंग हो गई है, जैसे कि आपने देखा पैकिंग कर रहा था मैं, बट अब पैकिंग हो गई है। तो मैंने सोचा चलो आप सबको बता देता हूँ। तो गाइस, एक बैग ये बना है मेरे कपड़ों का, और ये बैग अभी ये वाली साइड खाली है, इसमें मैंने अपनी एक्सेसरीज वगैरह डाल ली है। और ये देखो गाइस, इसमें मैंने अपने जूते डाले हैं, इसमें अभी बहुत कुछ आएगा ये सामान। मतलब ये 2 बैग ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, मुझे 10 दिनों बाद आना ही है, मतलब पास ही, तो 10 दिनों बाद तो आऊँगा ही, तो उधर थोड़ा सामान छोड़ जाऊँगा, थोड़ा सामान ले जाऊँगा। हाय गाइस, अनदर डे सेम व्लॉग। एंड गाइस, कल पैकिंग भी थोड़ी की थी, मतलब कपड़े किए थे, बट अभी जो ओरिजिनल चीज़ें हैं, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैंने मेडिसिन ले ली हैं कि मतलब इधर काम आ सकती हैं। ये मैंने, या मतलब मेरी सिस्टर और मेरे पापा गए थे, तो फेस वॉश लाए हैं। ये पेस्ट, ये 2 सेंडो, ये आर्म कवर, और ये 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स। और ये मैंने कुछ चीज़ें ले ली कि अगर भूख लगी तो 1-2 दिन, तो मतलब ऐसे तो खान एडिशनल, मतलब खाना मिलेगा, बट रात में मुझे बहुत भूख लगती है, क्योंकि सोने का टाइम थोड़ा है ना मेरा 1-2 बजे का। तब तक क्या करूँगा, घर तो है नहीं, कुछ भी खा लूँ। तो मैंने वो चीज़ रखी है कि अगर भूख लगे तो खा सकता हूँ। इधर मैंने अपनी एक बुक डाल ली, रजिस्टर डाल लिया, मन करे अभी 15 दिन में एक बार तो मैं थोड़ा पढ़ भी लूँगा। तो ये चीज़ें, अभी ये हाल है। अभी इधर मैंने ये मिरर लिया है, बिल्कुल नया है मिरर भी, घर पे पड़ा था मतलब, बट ऐसे ही पड़ा था तो मैंने ले लिया। इधर की साइड मैंने अपनी वो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैंने हैंगर ले लिए, अपना ड्रायर ले लिया, ये एक मग ले लिया जो व्लॉग्स वाला है, ये मैंने शैम्पू ले ली, बैग में बहुत कुछ है मेरा, एसेसरी वगैरह, ये कैप। जैसे कि आपने देखा कि ये सामान मैं लेके जा रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 2:30 या 3 PM का, उसके बाद हम निकलेंगे आई थिंक 4 बजे तक, 4 या 4:30 हम निकल जाएंगे। अभी कितना टाइम हो रहा है, हाँ अभी 2:30 हो रहे हैं, तो अभी हम 4 या 4:30 निकल जाएंगे। आई विल शो यू कि मेरी पीजी कैसी है, तो कैसे सेटिंग करता हूँ, मैं सब दिखाऊंगा आपको। हाय गाइस, मैं भूल ही गया था कि मैं व्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब हम आए पीजी में, और उसके बाद मम्मा सामान जमाने लग गई, मतलब
वो जो ऊपर वाली है ना सबसे उधर वाली मतलब फर्स्ट वाली वो मेरी वार्डरोब है। और ये देखो गाइस सामान पड़ा और ये जो बेड है ये मेरा है और मैंने सिंगल बेड वाला लिया है ये तो मतलब जो मेरे साथ रूममेट है उनके हैं। बट आज इस पूरी पीजी में मैं और एक साथ वाला लड़का है रूममेट मतलब वो उस रूम का है। 9 बजे खाने का टाइम है तो मैं नीचे जाऊँगा खाना खाने मतलब नीचे ही आंटी है बस तो मैं आपको रूम दिखाता हूँ। तो गाइस ये रूम है वो मेन गेट है रूम का। ये वार्डरोब्स हैं ये वॉशरूम है इधर ये उनका बेड है ये मेरा बेड है। मुझे तो मेरा बेड अच्छा लगा यार है ना अलग। हाय गाइस हाय गाइस हाय गाइस हाउ आर यू ऑल एंड सेम व्लॉग आई थिंक थर्ड डे। और गाइस देखो गाइस मैं पूरे पीजी में अकेला हूँ इस टाइम। ये मेरा मेरा रूम है आपने रूम तो देख ही लिया। मैं आपको पीजी का टूर भी कराता हूँ रुको। तो गाइस ये इनका मेन गेट है नीचे दिखाता हूँ आपको ये वाला इधर से ऊपर आओ ये स्टेयर से आओ ये मेन गेट पीजी का। ये कॉमन वॉशरूम है ये किसी का रूम है अभी ये गए हुए हैं। ये किसी का रूम है ये कोचिंग पे गए हुए हैं और जो मेरा रूममेट है वो भी अभी लाइब्रेरी गया है। और ये मेरा रूम है मेरा रूम था आपने देखा ही था वो मेरा बेड है ऑब्वियसली लग रहा होगा जैसे मैसी है ये। तो गाइस मैं कह रहा था कि अभी टाइम हो रहा है 10:40 और 9:40 अभी टाइम हो रहा है 9:40 और अभी 10:30 में रेडी होके नहा के जाऊँगा वाइफ्स क्लास। क्लास नहीं है मेरी गर्मी में क्या ही करूँगा तो मैं चलो चलो क्लास ही चला जाऊँगा। और दीदी भी कह रहे थे कि 10:30 के बाद आ जाना तो भी मैं चला जाऊँगा उधर 1-2 घंटे लगा लूँगा या खुद किधर घूम लूँगा उसके बाद आ जाऊँगा। और फिर उसके बाद लंच के टाइम आना ही पड़ेगा इधर मैं बाहर से देख लूँगा खाऊँगा क्योंकि मेरी वैसे जो क्लास की टाइमिंग है वो 7-9 शाम को बट मैं सुबह मतलब 9 बजे भी उठूँ 10 बजे भी उठूँ क्योंकि इधर लोग उठ जाते हैं ना साथ वाले रूम में मेरा रूममेट तो फिर जाग तो आ ही जाती है ना और उसके बाद नींद नहीं आती क्योंकि 9-10 बजे नाश्ते का टाइम होता है। बाय गाइस मिलता हूँ आपको नहा के। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी फ़ोन आया था दीदी का कि आ जाओ सही लग रहा हूँ। तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ वाइब्स अरे तो मैं रेडी हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ वाइब्स। और गाइस मेरे से गलती हो गई है मैंने ये वाली बोतल ले आया मतलब मुझे 2 बोतल लानी चाहिए थी मैंने ये वाली बोतल ले आया और इसमें क्या है ना अगर ठंडा पानी डालोगे तो ही वो 24 घंटे ठंडा रहेगा ऐसे नहीं गर्म डाल के फ्रीजर में रख दो तो ठंडा हो जाता है और अभी ये ठंडा हुआ नहीं है देखते हैं ठंडा हुआ है नहीं। क्या यार इतना गर्म पानी नीचे से पानी पीता हूँ मैं। और अभी अब चलती हूँ और मैं आपको मिलता हूँ वाइब जाके। गाइस सबसे अच्छी बात ये है कि 4 कदम रखो और वाइब्स आ जाती है मैं पहुंच भी गया वाइब्स। तो गाइस मैं वाइब्स में बिल्कुल भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं जाके डांस करने लग गया फिर बातें करने लग गया टाइम नहीं लगा मतलब फ़ोन ही नहीं उठाया मैंने जिसने मैं व्लॉग करना भूल गया। और उसके बाद मैं आया 1:12:30 पे आया हूँ मैं इधर अपनी पीजी। उसके बाद मैं 2 बजे तक ऐसा फ़ोन चलाया बातें की क्योंकि रूममेट भी आ गया था। फिर 2 बजे के बाद मैं 3:30 तक सोया मैंने व्लॉग सोने का क्या व्लॉग मतलब ऐसा कुछ उसके बाद व्लॉग नहीं किया। 3:30 के बाद मैं उठा और उसके बाद ऐसे ही खाया पिया कुछ और अब टाइम हो रहा है 5 बज चुके हैं एंड अब मैंने सोचा कि शिट व्लॉग में मैंने कुछ भी नहीं बताया बट जो मेरा एग्जैक्ट मैच की टाइमिंग है वो है 7-9 मतलब अभी 2 घंटे बढ़े हैं उस मैच को
कोई बात नहीं, मुझे और भी नींद आई है, शायद मैं सो जाऊँ एक आधा घंटा और। मेरा मन कर रहा है कि मैं मेन मार्केट, मतलब मार्केट है इधर, तो मैं थोड़ा घूम के आता हूँ, बाकी देखो क्या करता हूँ मैं। अभी तो मैं रूम में जाता हूँ, मैंने सोचा कि चलो आपको बता दूँ। हाय गाइस, तो मैं रेडी हो चुका हूँ अपना फेस वॉश करके, और अभी टाइम हो रहा है 6:45 एंड मैंने हर्ष को फ़ोन किया, भी हर्ष आ रहा है, तो मतलब मेरी अकेडमी तो इधर ही है, बट वगैरह जब मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा चला जा, तो अभी वो आएगा, उसके बाद वे विल गो टू वाइब्स। एंड मेरा जो बैच की टाइमिंग है वो 7 बजे की, और उसको 15 ही मिनट रह गए हैं, तो अगर मैं इधर से 6:59 पे भी चलूँ तो मैं 7 बजे उधर पहुँच सकता हूँ। तो वह हम जाएंगे, और अभी मैं ट्राई करूँगा कि मैं उधर ब्लॉक करूँ, इतने व्हीकल है ना, मैं बालकनी में हूँ, तो व्हीकल है तो आवाज़ बहुत आ रही है। बहुत अच्छा है, मेरे वाले से तो अच्छा लग रहा है। दूसरा दूसरा हाथ भी रखो, बोले